फिजिक्स के अंदर 99% लाना हो गया है बहुत मुश्किल, क्योंकि पेपर में फिजिक्स की डिफिकल्टी इतनी गिर गई है कि 2024 के कुछ शिफ्ट्स में तो 100 में से 90 नंबर लाने के बाद भी बच्चों की 99% नहीं बनी। पर तुम कैसे फिजिक्स में 99% स्कोर कर सकते हो, इस वीडियो में देखेंगे। वेटेज वाइज बकेट लिस्ट, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, सब शेयर करूंगा। सबसे पहले हमने मैथ्स की तरह फिजिक्स के भी सारे चैप्टर्स को 3 बकेट्स में डिवाइड कर दिया है 2024 के वेटेज के अकॉर्डिंग। इसमें से बकेट 1 55%, बकेट 2 33% और बकेट 3 12% वेटेज कैरी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इसी ऑर्डर में चैप्टर को पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ते वक्त एक फ्लो मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसीलिए तुम अपने कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स के स्ट्रक्चर को फॉलो करो। सेल्फ स्टडी वालों को कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वीडियो में आगे बताऊंगा, बट इससे तुम्हें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि किस चैप्टर को तुम्हें 10 दिन देने हैं और किस चैप्टर को 5 दिन, किस चैप्टर के लिए 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और किस चैप्टर के लिए 150 क्वेश्चन भी इनफ हैं। बट एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि पेपर काफ़ी आसान आ रहा है। क्या पता तुम SHM छोड़ कर गए और उसी से पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तुम रिग्रेट करोगे कि क्यों मैंने SHM के बेसिक्स नहीं किए थे। इसीलिए तुम्हें सभी चैप्टर को एक बेसिक लेवल पर ज़रूर से करना है, एंड एट द सेम टाइम तुम्हें 80-85% चैप्टर्स को डेप्थ में मास्टर करना है। इसके लिए तुम बकेट 1 और बकेट 2 को रेफर करो, इन चैप्टर्स पर तुम्हारी अच्छी कमांड रहनी चाहिए। लास्ट 6 साल के PYQs तो लगा ही लेना, बट लास्ट 6 साल के PYQs लगाने कहाँ से हैं, उसके लिए तुम PW की JEE मेंस के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। इस बुक में 2019 से 2024 तक के सारे PYQs दिए गए हैं, जो कि लगभग 3500 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट बनते हैं। पेपर का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न समझने के लिए इतने PYQs तुम्हारे लिए इनफ हैं। बुक में तुम्हें PYQs चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज मिलेंगे, दैट इज वेरी यूजफुल। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बुक में 2024 के PYQs के वीडियो सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड है, जो तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए QR को स्कैन करने पर मिल जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन से तुम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी सीखोगे। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए अवेलेबल है और तुम्हें Amazon और Flipkart पर मिल जाएगी। और अगर तुम PW स्टोर से लेते हो तो तुम्हें ये कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना। अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो तुम इन चैप्टर्स को ब्लॉक वाइज कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ब्लॉक मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न, हीट एंड थर्मो, ऑप्टिक्स एंड एक लास्ट ब्लॉक जिसमें कुछ इजी टू डू चैप्टर्स हैं। 2024 के अकॉर्डिंग इन ब्लॉक्स का वेटेज कुछ ऐसा रहता है। अब बात करते हैं कि इन ब्लॉक्स को कवर करने के लिए तुम्हें क्या अप्रोच रखनी है। स्टार्टिंग विथ मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये वाला ब्लॉक कंपेरेटिवली ईजी रहता है। 5 चैप्टर्स हैं जो कुल मिलाकर 18-20% वेटेज कैरी करते हैं। इस हिसाब से इस ब्लॉक का ROI काफी बढ़िया है। सॉल्ड एग्जांपल्स और PYQs सफिशिएंट हैं चैप्टर्स के लिए। एक बात का ध्यान रखना कि इन दोनों ब्लॉक्स को मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में एंड में कवर करवाया जाता है, जिसके कारण तुम इन चैप्टर्स को उतना समय नहीं दे पाते हो। तो इस केस में ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अलग से टाइम निकाल कर इन चैप्टर्स को खुद से कवर करो एंड PYQs सॉल्व करो। कहाँ से कर सकते हो वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं दो सबसे बड़े और हाई वेटेज ब्लॉक्स की, दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स। तुम में से मैक्सिमम लोग अभी 12th में होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे होंगे, और काफ़ी ड्रॉपर्स का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सही रहता है, क्योंकि 12th में तुम अच्छे से पढ़ते हो। इस ब्लॉक के शुरू के चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और AC, इनका वेटेज काफ़ी सालों से हाई रह रहा है, ध्यान में रखना। ये थोड़े हैवी ब्लॉक्स हैं, इनके डिटेल्ड लेक्चर्स देखना, नोट्स बनाना, इलस्ट्रेशंस और सॉल्ड एग्जांपल्स समझना और फिर PYQs करना। हाँ, मेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर का पैटर्न तो तुम देख ही रहे हो। अब मैकेनिक्स की बात करें तो इसका वेटेज तो सबसे ज़्यादा है, बट इस ब्लॉक में चैप्टर्स भी काफ़ी सारे हैं। NLM, काइनेमेटिक्स 1D, ग्रेविटेशन, रोटेशनल, वर्क एनर्जी और फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं, बट कोशिश करो कि बाकी चैप्टर्स को भी थोड़ा टाइम देकर एक बेसिक लेवल पर रेडी कर लो। इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये छोटा सा सेक्शन है बट काफी लोगों का ये 11th का बैकलॉग होता है, बट मेंस के लिए डुएबल है। KTG और थर्मोडायनेमिक्स मेंस के लिए रेडी कर लो, क्योंकि इनकी वेटेज भी ठीक ठाक रहती है पेपर में, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बात रही इजी टू डू चैप्टर्स वाले ब्लॉक की, तो इसको तुम लास्ट के 1-1.5 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, 2-3 घंटे के लेक्चर्स और रीसेंट ईयर के PYQs आर मोर देन इनफ। अब इन सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए तुम्हें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। डिटेल में कवर करने के लिए ABJ सर, वन शॉट्स के लिए JEE वाला चैनल और बाउंस बैक सीरीज,
रिवीजन के लिए आशीष अरोरा सर की रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हो और एडुनिटी चैनल के शॉर्ट रिवीजन वीडियोस। इनके अलावा फिजिक्स के सभी बेस्ट टीचर्स और रिसोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, बाद में चेकआउट कर सकते हो। बुक्स की बात करें तो लास्ट 6 साल के PYQ सफिशियंट है जिस तरीके का पेपर आ रहा है, बट सेल्फ स्टडी वालों को सेंगेज या DC पांडे जैसी एक बुक ले लेनी चाहिए जिसमें तुम्हें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाते हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच पता चलता है। कोचिंग वाले मॉड्यूल्स प्लस PYQ के साथ स्टिक रहे उतना ही काफी है। बात करें NCERT की तो फिजिक्स में NCERT से तुम पूरी थ्योरी तो कवर नहीं कर सकते हो, बट कुछ चैप्टर्स के लिए NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, EM वेव्स, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड ऑप्टिक्स। इन सभी चैप्टर्स के NCERT को तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इनमें से पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। टाइम मिले तो आशीष अरोरा सर की एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने NCERT के शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं सारे चैप्टर्स के, वो जरूर से देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद चीजों को रिटेन करने के लिए तुम्हें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। कैसे बनाने हैं बताता हूँ। एक A4 शीट ले लो, उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैपेसिटर्स चैप्टर उठाया तो इस चैप्टर के जो भी बेसिक फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वगैरह वगैरह, सबसे पहले मैंने उनको लिख लिया। अब इसके बाद कैपेसिटेंस से जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं उनको एक एक करके इंक्लूड करूंगा। ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? जब तुम सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे और PYQ सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चंस और डायलेक्ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अगर तुम्हें खुद से बनाने में दिक्कत हो रही है तो तुम कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिस ना हो जाए। वैसे अगर तुम्हें मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो ये वाली वीडियो देखो, वहीं ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो।